फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल मल्टीग्रेन ब्रेड, जिसमें मैंने कुछ स्पेशल आटा मिला के ये बनाया है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आटे का ब्रेड कितना फूलता है, कितना नहीं फूलता। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कैसा है। इसको आप आराम से घर में बना सकते हैं, निश्चिंत होके कि इसमें आपने बिल्कुल भी आटा यूज़, जो मैदा है वो यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, ये अंदर से भी कितना अच्छा जालीदार एकदम बेक हुआ है, बहुत ही हेल्दी है। इसको आप अपने वेट लॉस के डाइट में बिल्कुल ले सकते हैं। इसको आप चाय के साथ टोस्ट की तरह खाएं या फिर वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके। तो इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ईस्ट एक्टिवेट करने से। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट। इसमें हमें मिलाना है गुनगुना पानी। पानी उतना ही गर्म ले जितना आप उसको मिक्स कर सके उंगली से, ज़्यादा गर्म ना ले वरना आपका ईस्ट एक्टिवेशन पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अब हम 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तब तक हमारा ईस्ट एक्टिवेट होगा। हम अपना जो आटा है उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो कप यूज़ कर रही हूँ वो 240 ml का 1 कप है। और मैं आपको कप के साथ और वेइंग स्केल के साथ दोनों तरीके से बताऊँगी कि मैं यहाँ पे टोटल कितना आटा ले रही हूँ। यहाँ पे ग्राम में हमको 450 ग्राम लेना है आटा, होल व्हीट आटा, जो नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा होता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप। और 3 कप। तो ये हमारा 457 ग्राम है, तो इतना ऊपर नीचे चलता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं, 1 कप लिए हैं भर के आटा। हाफ कप मैंने यहाँ पे ओट्स लिया है, जो प्लेन नॉर्मल ओट्स है उसको मिक्सी में पीस लिया है। ये बहुत बारीक नहीं पीस पाया है, अगर आप बारीक पीस लें तो बारीक यूज़ करें, और थोड़ा बहुत दरदरा है तो चलेगा। यहाँ पे हाफ कप मैंने लिया है ओट्स, और ये है 55 ग्राम। इस ओट्स को मैंने रोस्ट नहीं किया था, डायरेक्ट मिक्सी के जार में इसको पीस लिया था। 1/4 कप हम लेंगे यहाँ पे मक्की का आटा, और ये हुआ है 27 ग्राम। और 1/4 कप हम लेंगे यहाँ पे सत्तू, जो चने का आटा पीस के तैयार होता है, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा सत्तू। तो ये हुआ है 1/4 कप, 25 ग्राम। 1/4 इसमें मैं ऐड करूँगी गुड़। तो यहाँ मैंने 1/4 कप गुड़ लिया है, जिसका वेट है 23 से 25 ग्राम। और ये अगर आपके पास पाउडर वाला गुड़ है तो आप वो गुड़ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरीके का साबुत गुड़ है तो इसको आप थोड़ा सा बारीक ग्रेट कर ले और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट मेरा जा रहा है 1/4 कप घी। हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अब यहाँ पे आपको हाथों को थोड़ा मैसी करने की ज़रूरत है। इस सब को हम करेंगे इस तरीके से मिक्स। इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारा एक्टिवेट किया हुआ ईस्ट। और इसका आटा गूंदने के लिए आप गुनगुना पानी यूज़ करें। यहाँ पे हमको रोटी जैसा आटा एकदम चिकना नहीं करना है, यहाँ पे हमें इसमें सिर्फ इतना पानी मिलाना है कि जो सारा आटा है वो आपस में बंध जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने आटे को सिर्फ बाइंड किया हुआ है पानी से। और ये गेहूं और ये सब का आटा था, तो
तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, उसको हम तेल से इस तरीके से हल्का सा ग्रीस करेंगे और इस आटे को हमें कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छे से मसल मसल के चिकना करना है। जो मैदे का जो ब्रेड बनता है वो अगर आप ज़्यादा नहीं 15 मिनट भी करेंगे तो वो सफिशियंट है, उसमें भी अच्छी स्मूथनेस आ जाती है। पर यहाँ पे मैंने आटा और दूसरे जो ये मक्का और गेहूं का आटा लिया है, आपको इसको अच्छे से मसल मसल के थोड़ा सा चिकना करना पड़ेगा ताकि इसमें ग्लूटेन फॉर्म एक्टिवेट हो जाए। तो इसको इस तरीके से हथेली से दबा दबा के आप स्ट्रेच करेंगे, फिर रोल करके अगेन स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से ही हमें इसको पंचिंग नहीं करनी है, सिर्फ स्ट्रेच कर करके हमें इसको स्मूथ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को 20 मिनट हो चुके हैं इस आटे को स्मूथ किए हुए। ये आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन अच्छा ये स्मूथ दिख रहा है। इसको अब हम एक बाउल में जिसमें हम डबल होने के लिए रखेंगे उसको भी हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जब प्योर आटे से अगर ब्रेड बनाते हैं तो उस सॉफ्ट बनता है, सॉफ्टनेस में कमी नहीं है, पर आप उसकी ज़्यादा हाइट जिस तरीके से मैदे के आटे की, मैदे के बन की या बर्गर की जो हाइट अच्छी फूलती है, वैसा आप प्लेन आटे के जो ब्रेड बनती है उससे वो एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी फूल के उतना ऊंचा बनेगा। अगर जैसा बनता भी अगर आप सोचें कि मार्केट में बनता है वैसा, तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्योर आटे से बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ऊपर से भी हल्का सा इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है ताकि हमारा आटा सूखे ना। और इसको ढक के अब कम से कम 3 घंटे के लिए अब हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब हमारा आटा डबल हो जाएगा मैं आपको उसके आगे की प्रोसेस दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसको 2.5 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो भी फूल गया है। ये देखिए इस तरीके से इसको दबाएंगे तो अब मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके से बनाना बताऊँगी। एक यहाँ मैंने लिया है ब्रेड का लोफ जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बर्गर के लिए कुछ रिंग्स लिए हैं सर्कल शेप में और ये ओवल शेप में। इन सबको मैंने अंदर से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। नीचे यहाँ पे मैंने इस ट्रे को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बेकिंग पेपर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से मैं लूँगी एक छोटी सी लोई, आप रोटी बनाने के लिए जैसे लेते हैं उस तरीके से ले लें और इसको इस तरीके से गोल गोल बॉल बना के इस रिंग में फैला दें। बहुत ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि ये आटे का बना हुआ है गेहूं का, तो ये बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सारे रिंग्स में इस तरह डो रख देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे जो रिंग्स हैं उसमें हमारे इस डो को सेट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे ब्रेड के लोफ की। तो यहाँ पे ये जो आटा है इसको हम इस तरीके से हाथ से ही करके थोड़ा सा फैला लेंगे हमारे ब्रेड टिन के साइज़ का। इसको मैं हाथ से बेलने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हाथ से जब बेलन से बेलने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हमें इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको हाथ से ही फैलाएं। अब दूसरा हमें इसको इस तरीके से ये जो इसकी लंबाई है उतने साइज़ का बेलना है और इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे और इसको पिंच कर देंगे। रोल करेंगे फिर पिंच करेंगे ताकि जब हमारा ब्रेड ये फूलेगा तो बीच में से क्रैक्स नहीं आएंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम इस तरीके से टिन के साइज से मैच करके अंदर फोल्ड कर देंगे।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको रोल करने के बाद आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये गैप है, तो इसको हम हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा बराबर कर देंगे हर तरफ से। तो इसको अब हम आधे घंटे के लिए, मिनिमम आधे घंटे के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, ताकि ये जो हमने इसमें सेट किया है इस रिंग का या फिर ये लोफ का साइज से फूल जाए, ताकि बाहर जब ये जितना फूल जाएगा तो अंदर इसको फूलने में टाइम नहीं लगेगा और वो अच्छे से हमारा बेक हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने होल व्हीट ब्रेड यूज़ किया है। अब इसका जो अब नेक्स्ट काम करना है हमें ये कि ओवन को हमें 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रखना है, और तब तक यहाँ पे मैंने एक मिल्क वॉश रेडी किया है। इस मिल्क वॉश में मैंने थोड़ा सा दूध, आधी चम्मच चीनी होगी और 1/4 चम्मच घी, हल्का सा इसको हमने गुनगुना कर लिया है, और इस मिल्क वॉश को हम लगाएंगे इस तरीके से हमारे ब्रेड पे, इसको अच्छे से इस तरीके से गीला कर दें। और जितने भी आपके यहाँ पे बन और बर्गर वाले भी जो रिंग्स हैं उनको भी इस तरीके से अच्छे से मिल्क वॉश लगा लें। इससे होगा ये कि जब बेक करेंगे तो हमारा केक जो ब्रेड है वो एक तो ड्राई नहीं होगा और दूसरा उसका कलर बेक होने पे अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं भी फूलता है अगर आपका ये ब्रेड, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। कम से कम आपके ये बाहर वाले जो आटे वाला या मल्टीग्रेन वाला ब्रेड है जिसमें कहा जाता है कि बिल्कुल भी मैदा नहीं मिला है, उससे तो ये काफ़ी हेल्दी है। तो यहाँ पे मेरे 10 मिनट हो चुके हैं ओवन को प्री हीट किए हुए, इसको अब मैं डालूँगी ओवन में सेम 200 डिग्री पे मिनिमम 25 मिनट्स के लिए। तो 25 मिनट्स के बाद हम इसका कलर देखेंगे कि किस तरीके से आया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि इसका कलर अगर ऊपर से थोड़ा सा डार्क नहीं आया है तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और ज़्यादा बेक करेंगे सेम उसी टेम्परेचर पे। और अगर हमारा कलर 25 मिनट में आ गया, ओवन के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका ब्रेड कितना जल्दी बेक होगा और कितना धीरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको बेक होने के बाद। इसके ऊपर मैं थोड़े से वाइट तिल इनको छिड़क रही हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लगेगा हर तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट्स में मेरे ये बर्गर वाले रिंग्स जो थे ये तो रेडी हो गए हैं, पर जो लोफ वाला ब्रेड था उसने थोड़ा सा टाइम लिया है, तो उसको मैंने 10 मिनट के लिए और बेक होने के लिए रखा है। तो ये देखिए आप कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहती हूँ, पर ये बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत हेल्दी है। और एक ख़ास बात थी, जब ये बेक हो रहा था तो इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, वो मुझे भी नहीं पता कि वो गुड़ की वजह से आ रही थी या सत्तू या ओट्स की वजह से आ रही थी, पर वो बहुत ही अच्छी खुशबू थी। अब आप इस ब्रेड को चाहे तो आप इस तरीके से वेजिटेबल्स के साथ दो बीच में इस तरीके से आप उसका बर्गर बना के खाएँ, या फिर आप इसको दूध के साथ खाएँ, जैसे भी आप शाम के नाश्ते में या फिर सुबह के नाश्ते में आप कर सकते हैं। अब एक काम करना है ये कि जब ये ब्रेड बेक हो जाती है, आपने देखा बिल्कुल भी ट्रे में चिपका नहीं है, आपको इसलिए बेकिंग पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट इसको छोड़ने के बाद इसको आपको एक ग्रिल रैक पे रख देना है। अगर आप इसको टिन में छोड़ेंगे या फिर इस बेकिंग ट्रे में छोड़ेंगे तो जब ब्रेड गर्म होती है तो नीचे से गर्माहट की वजह से सील जाएगा, जो पसीज जाना कह देते हैं, सॉफ्ट जो हो जाता है वो चीज़। तो इसलिए इसको हमें, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से एक ग्रिल स्टैंड ले लेना है और इसको हमें इस तरीके से उसके ऊपर रख देना है ताकि नीचे से इसकी जो भाप है वो भी निकल जाए और ये ठंडा हो जाए और जो हमारा मेन ब्रेड है वो भी सिक जाता है। तब मैं आपको दिखाती हूँ ये खाने में, और ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको अंदर से कट करके भी दिखाऊँगी कि ये कैसा बेक हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो ब्रेड लोफ था वो भी अच्छे से बेक हो गया है, और आप इसको इस तरीके से
पलट के आराम से निकाल सकते हैं। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए हमें इसको कट नहीं करना है। तो ये देखिए, फिर भी ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। इसको आप अपने हेल्दी, आप वेट लॉस डाइट के उसमें आप इसको खा सकते हैं। बिल्कुल भी ये आपका फैट नहीं बढ़ाएगा। अगर आप डाइट वाला खाना फॉलो करते हैं तो उसके आप मॉर्निंग में या इवनिंग में आप ये ब्रेड ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं गया है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। पर हाँ, कुछ भी चीज़ हम खाएं हमें उसको लिमिट में खाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने ये मल्टीग्रेन ब्रेड बनाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1, 2, 3, 4 आप जितना मर्जी भी खा सकें। आप यहाँ पे 2 ब्रेड ले सकते हैं, या फिर आप जैसे ये बर्गर वाला जो लंबा रिंग है आप इसको भी ले सकते हैं, या फिर आप इसके भी 3 से 4 स्लाइस ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ना लें इस मल्टीग्रेन ब्रेड को भी, पर हाँ जब भी लें ये आपके लिए हेल्दी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, थोड़ी सी लंबी हो गई है पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।